पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई शहरों सहित कानपुर देहात में 1 करोड़ की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट 100 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में तैयार करेगा। पीएम मोदी ने 35 पीएस ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया और प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष की सहायता से ये संयंत्र बनाए गए हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर सेवा करने की मेरी यात्रा को दशक पहले से ही चल रही थी। आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने कोविड जैसी महामारी को पूरा नियंत्रित करके और हम लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश को 1124 ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं पीएम केयर फंड से। उनका हम लोग हृदय से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जनता को राहत देने का सीधे काम किया है और डीएम साहब का भी आभार है कि हमारे कानपुर देहात में भी वो लेकर आए, और हमारे मुख्य विकास अधिकारी सौम्या जी का भी, क्योंकि लोग वाकई में एक्टिव होकर अपने कानपुर देहात के लिए कुछ काम हो रहा है तो हमारा कानपुर देहात नंबर 1 पे रहे। जैसा कि वैक्सीनेशन में भी हमारा कानपुर देहात नंबर 1 पे चल रहा है, तो हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अस्पताल है हमारा जो फीमेल चिकित्सालय में 1000 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हुई है पीएम केयर्स निधि के अंतर्गत। इसकी स्थापना NHAI और DRDO के सहयोग से पीएम केयर्स की राशि से की गई है। हमारा सौभाग्य है कि माननीय विधायिका जी श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी ने और हमारे सभी अधिकारियों CDO साहब ने, CMO साहब ने, CMS और डॉक्टर अशोक यादव, डॉक्टर वंदना सिंह के सहयोग से ये प्लांट स्थापित हो गया है। जनपद में एक उच्च स्तर की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसी परिसर में टोरेंट का भी एक प्लांट है और इसके अलावा पुखराया में भी है। तो कोविड की तीसरी लहर हम लोग आशा करते हैं कि नहीं आएगी। जैसा कि मैडम ने बताया कि मंडल में हम लोग प्रथम स्थान पर हैं वैक्सीनेशन में, और करीब 70% जनता को कानपुर देहात में प्रथम डोज न्यूनतम लग गई है। फिर भी तैयारी करना आवश्यक है। इसी क्रम में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की। जस्ट उसी के पीछे।